lovely MV family and welcome back to my channel Manchi Vlogs. And I really hope आप सब बहुत ही अच्छे हो. So अभी हो रहा है morning के 5:30. हाँ blur होगी मैं. Okay. Morning के 5:30 हो रहे हैं और मैं बच्चों के लिए चाय, गर्म पानी. So मैं ना रात को ही ना ऐसे set करके रख देती हूँ सोने से पहले ही ना. मतलब चाय में कितना पानी चाहिए वो डायरेक्टली इसमें ऐसे रख के ही छोड़ देती हूँ. सुबह आके सिर्फ गैस ऑन करना होता है और चाय वगैरह पत्ती वगैरह डालना होता है तो इजी हो जाता है ना उठ के आके. वरना पानी ढूंढो मतलब उसमें 2-3 मिनट लग ही जाते हैं, मन नहीं करता. और यहाँ पे टिफ़िन वगैरह सब यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ. सो सुबह थोड़ा सा जल्दी हो जाता है. तो चलो अनन्या के लिए नाश्ता बनाते हैं. पहले गर्म पानी पीऊँगी और चाय चढ़ाऊँगी. साइड बाय साइड अनन्या का नाश्ता बनता रहेगा. तो पुलाव सोच रही हूँ उसके लिए थोड़ा सा बना दूँगी और पैनकेक कर दी तो शायद नाश्ते में खाने के लिए पैनकेक बना लूँ. एंड यस आज है वेंसडे मॉर्निंग. यहाँ पे ऑयल लिया है उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर. बटर से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. उसमें डाल रही हूँ जीरा और हींग. और तेल में बटर डालो ना तो बटर आपका ब्राउन नहीं होता, जलता नहीं है. मैं डाल रही हूँ प्याज. मतलब आप जितना सब्जी काट सको अपने ऊपर है. मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सब्जी डाल रही हूँ. मैं डाल रही हूँ बेबी कॉर्न मैंने कट कर लिए थे वो और मटर. मेरे को ना कद्दूकस कर लिया है तो इससे वो ना छाट के निकाल नहीं पाएगी. मैं ना गाजर खाती हुई साइड कर देती है. अब ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या करें. हर माँ के पास कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स होंगे. कैप्सिकम जैसे फ्राई हो गया है तो उसमें डाल रही हूँ मैं सोया चंक्स. उसको मैं ना पहले मैरिनेट कर लिया था. दही और ये क्रीम आपका दूध की जो मलाई होती है ना वो और थोड़ा सा नमक डाल के. तो इससे ना ये बहुत नरम नरम बनते हैं तो ऐसे चूई से और बेसवाद से नहीं होते हैं. तो जो सोया चंक है ना वो मैं बताना भूल गई आपको. पहले मैंने ना गर्म पानी में उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था. उसके बाद निचोड़ के उसके बाद उसको मैंने मैरिनेट किया था. बहुत ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैं हल्दी डालूंगी, बिल्कुल हल्का सा हल्दी. फाइनली इसमें चावल डाल देंगे. चावल आप पहले से ही बना के रख सकते हो. बस सुबह ना अर्ली मॉर्निंग बनता नहीं जल्दी जल्दी. तो फाइनली इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, मिक्स कर लेंगे और हो गया. बहुत सुंदर लगता है खाने में भी ना, बहुत टेस्टी होता है. रेडी है. अब बनाऊंगी उसके लिए पैनकेक. तो ये रात को ही ना ऐसे मैं आटा और वो कितना मीठा वगैरह चाहिए, गुड़ वगैरह ऐसे इकट्ठा करके सब कुछ एक साथ रख देती हूँ. सो इजी हो जाता है. सो उसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, एक अंडा. उसको ना थोड़ा सा रोल करके कट कर देती हूँ मैं तो उससे ना इजी हो जाता है ना के लिए खाने में पकड़ने में. फ्रेंड्स हो गया उसका नाश्ता वाश्ता सब बन गया है, टिफिन रेडी है, नाश्ता रेडी है. सो मैं चाय पी सकती हूँ. सो चीयर्स मॉर्निंग के चाय के साथ. और यहाँ पे उसका यूनिफॉर्म वगैरह भी सब ऐसे ही रख देती हूँ मैं ईजी रीच में ताकि आप सोफे पे बैठे बैठे फटाफट फटाफट उसको रेडी कर दूँ. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो ध्यान में रखो ना तो सुबह आपकी एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आराम से बच सकता है. फिर नींद में आपको ऐसा ऐसा ढूंढना नहीं पड़ता है. काफ़ी बार तो आई कार्ड नहीं मिलता है, हेबेंड नहीं मिलता, सिर्फ रात को ढूंढ ढांड के सब एक जगह रख दो, सॉर्टेड. चलो मैं चाय इंजॉय करती हूँ, अनन्या को उठा के स्कूल भेजती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. सो ये रही हमारी अनन्या. गुड मॉर्निंग अनन्या. कुत्ते इतने पसंद है इसको, वो देखो ये दो डॉग हैं हमारे, सोसाइटी में ही रहते हैं. हो गया प्यार मोहब्बत कुत्तों से. रोज उनको हेलो बाय बोल के फिर जाती है. चलो अनन्या जल्दी बस आ जाएगी. अनन्या उल्टा नहीं जाना, इस तरफ आओ. ओहो छोड़ के आ गया अनन्या को. आज मौसम भी ना बिल्कुल बादल बादल वाले हो रहे हैं, धूप छाव लगा हुआ है. इस वीक थोड़ा कम ही है वैसे फोरकास्ट बारिश का. और कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था ना रिगार्डिंग दिस. ब्लॉग नहीं आया था ना कल, तो मैंने वही डाला था कि मतलब इसकी ये हालत दिखाई थी आपको कि देखो ऐसा है. और डॉक्टर ने क्या बोला उस पर भी अपडेट दिया था. इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो पक्का फॉलो कर देना पहले. मानसी ब्लॉग्स नाम से है, 3000 होने वाले हैं पक्का से. जल्दी से जाके 3000 कर दो वहाँ पे. सो
मैंने वो पोस्ट डाला था तो आप सबने इतना कंसर्न दिखा, इतना प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच. मतलब बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए कि टेक केयर दीदी, ठीक हो जाएगा. और कुछ लोगों ने मुझे डरा ही दिया. मतलब कुछ ने लिखा दीदी हो सकता है चिकन पॉक्स हो, कुछ ने लिखा हो सकता है फुट एंड माउथ डिजीज हो, कुछ ने लिखा मंकी पॉक्स. ओ गॉड, मतलब आई अंडरस्टैंड, सी आउट ऑफ कंसर्न आपने लिखा था, बट मैं यहाँ पर बैठी थी वो पढ़ रही थी ना मैसेजेस. पहले मुझे लगा एक दो आए मंकी पॉक्स, मैं कहा चलो ऐसे ही होगा, कैसे पॉसिबल, बिकॉज मैंने डॉक्टर का एक्चुअली ऑलरेडी दिखा लिया था, तो मुझे क्लियर था कि इट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोला उन्होंने. तो उन्होंने बोला एंटीबायोटिक खाओ, 7 डेज का कोर्स दिया है उन्होंने, लगाने के लिए दवाई दी है, ठीक हो जाएगा, बट इट इज गोइंग टू टेक 7 डेज. और ये हाथ वात के जो आए थे ना, मैं आपको दिखाया था एक दो दाना, वो सब सॉर्ट हो गया है. सो जस्ट फेस का है क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो गया है, सो इट इज गोइंग टू टेक थोड़ा टाइम, बस इतना ही है. सो एक पड़ा, दो पड़ा, तीन पड़ा मंकी पॉक्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑलमोस्ट 15-20 मैसेजेस आए मुझे मंकी पॉक्स में. तो एक बार तो मुझे भी लगा यार कुछ ऐसा तो नहीं है, मैं गूगल पे बैठ के सारा उसका सिम्टम वगैरह देखा, मैं लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसके अलग ही सिम्टम्स हैं, तो ऐसा कुछ मंकी पॉक्स वगैरह कुछ नहीं है. बट या आई वाज लाइक कि ऐसा तो नहीं है सच्ची, जैसे आप श्योर होते हैं ना, लेकिन बार बार वही चीज़ आपको कोई बोलता रहे तो ऐसा लगता है कि यार है तो नहीं. बट एनीवेज नहीं है, वो सब कुछ नहीं है. सो थैंक यू अगेन फॉर ऑल योर कंसर्न एंड लव. तो आप इतना साथ देते हो, छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखते हो. आपने से कुछ फ्रेंड्स को मतलब चिकन पॉक्स और फुट एंड माउथ भी है, तो उन्होंने वही दिखा कि एक बार चेक करवा लेना, हमको भी है. सो आई रियली होप आप सब भी जल्दी से ठीक हो जाओ. और यस, चलो आज का दिन करते हैं स्टार्ट, तो हो ही गया, आगे चलाते हैं. पीछे देखो सारा कचरा है, सब सेट वेट करना है, और मेरा न्यूज़पेपर भी आ गया है. सो मैं थोड़ा सा नाश्ता करूँगी और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मेरे को जाना है जिम. चलो फ्रेंड्स, सारा काम हो गया, रेडी फॉर जिम. सामने बच्चों का मार्च पास, हर रोज सुनाती हूँ ना आपको. एक्चुअली पता क्या है, इनका ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर रोज़ ना बर्थडे जो सॉन्ग है ना, वो हैप्पी बर्थडे वाला ट्यून हर रोज़ प्ले करते हैं, बिकॉज हर रोज़ किसी ना किसी का बर्थडे रहता है ना. तो हमारे स्कूल में ये सब नहीं होता था, मार्च पास ये सब तो ठीक है, बट ये मुझे स्कूल का ना सामने का बहुत अच्छा लगता है. बर्थडे हर रोज़ बर्थडे सॉन्ग प्ले होता है असेंबली में. देखो बच्चे जा रहे हैं ना, ये देखो बच्चे जा रहे हैं सारे अपने क्लास में असेंबली के बाद. मुझे समहाउ आई डोंट नो, मुझे इतना अच्छा लगता नहीं बच्चों की आवाज़ सुबह सुनना. देखो कितने जोश में, इतनी एनर्जी, मतलब मुझे भी ना इनकी आवाज़ सुन के, स्पेशली जब नेशनल एंथम होता है उसके बाद जब भारत माता की जय बोलते हैं ना, इतने जोश के साथ बोलते हैं, मतलब उनके जोश से मुझे भी ऐसा लगता है मॉर्निंग में काम करने का एनर्जी आ जाती है. जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट बोल रहे हैं इतनी जोर से, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत जोश वाला फील आता है. सो जस्ट डन विद माई कार्डियो, अभी जाएंगे वेट वाले सेक्शन में, फिर करेंगे वेट लिफ्टिंग, फिर जाऊँगी घर. मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है आज. चलो मतलब जब तक स्वेटिंग नहीं आए ना कार्डियो में, तब तक मज़ा नहीं आ रहा. मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही कार्डियो करना पड़ता है ताकि थोड़ी सी स्वेटिंग आए. चलो अब फाइनली थोड़ा सा वार्म अप फील हो रहा है. चलो कार्डियो के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो गई, डन फॉर द डे. और ये हमारा सुखी जी, आज दिखाओ भाई सुखी, ट्रेनर नहीं दिखाएगा अभी, अभी रेस्ट करेगा, छुपा के रखेगा, पर्सनल ट्रेनिंग लेनी पड़ी ऐसे नहीं बताएगा. चलो बाय. जिम से आने के बाद एक बार बैठ जाओ ना, फिर उठने का मन ही नहीं करता. मेरा ऐसा मन ही नहीं कर रहा उठने का, ऐसा लग रहा है बस बैठो, कोई एक कप चाय पिला दे. तो सुभाष भी नहीं है कि बोलो सुभाष चाय पिला दो, हाना हाना करके वो बना ही देते हैं, मत पी अच्छा नहीं ये वो, लेकिन बना ही देते हैं. तो सीरियसली मेरा ऐसा आज मन कर रहा है, मैं बस बैठी रहूं, उठूं ना. यही होता है ना जिम से आके, मैं फटाफट काम में इसलिए लग जाती हूं, बैठती नहीं हूं जनरली, बट क्या करें. चलो एनीवेज काम तो करना पड़ेगा, पुश करते हैं अपने आप को, हाथ को पुल करके उठाते हैं. और देखो सुबह बादल हो रहा था, कितनी मस्त धूप आई है, और इतनी खुशी होती है जब बाहर कपड़े हो और धूप जग जाए ना, तो बड़ी खुशी होती है कि चलो ये वाला लॉट जो कपड़ों का है उनको तो मिल ही जाएगा धूप. और ये देखो डेकोरेशन ना, पता है अनन्या निकाले नहीं देगी, पर ऐसे ऐसे ही खत्म होगा इवेंचुअली, एक महीने दो महीने में. ये जो है ना, ये निकाल निकाल के खेलती है, ऐसे निकाल निकाल के जब पूरा खेल लेगी उसके बाद जाके शायद वो निकालने देगी. पर जैसे मैं बोलती हूँ मुझे निकालना, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन नहीं है, बिकॉज ये कलरफुल सा मुझे बड़ा अच्छा लगता है घर में आके ना, बड़ा हैप्पी सा फील होता है. यहाँ पे बीच चमकते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो अच्छा ही फील होता है. हेलो फ्रेंड्स, लंच की तैयारी करते हैं. तो सब्जियाँ ना मैं कल ही लेके आ गई थी, रात को ही वॉश करके रख दिया था. वॉश वगैरह करने में ना बहुत टाइम लगता है, तो मेथी लेके आई थी मैं, भिंडी लेके आई थी, कद्दू लेके आई थी. तो ये सब मैंने वॉश करके, कद्दू कट करके ना फ्रीजर में स्टोर कर दिया है. तो ऐसे करके रखो ना तो बहुत ईजी हो जाता है. सो आज मैं सोच रही हूँ मेथी के पराठे बनाऊंगी और भिंडी की ना मस्त मसाले वाली सब्जी बनाऊंगी. सो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल यू नो कच्चे कच्चे भिंडी होते हैं ना, बिल्कुल वैसे आए थे. मैं सोचा यही बनाते हैं आज, भिंडी की सब्जी और मेथी के पराठे. तो चलिए आपके साथ आज शेयर करते हैं इसका रेसिपी.
yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane. यहाँ पे हमारी भिंडी जो है ना वो फ्राई हो गई है, तो थोड़ा सा नमक और तेल के साथ इसको फ्राई कर लिया है, इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो भिंडी है ना वो ऐसे फ्राई हो गई है, सिर्फ थोड़ा सा नमक और तेल डाला था मैंने, तो उससे फ्राई कर लिया है, ब्राउनिंग आ गई है, अब इसको निकाल लेंगे। तो भिंडी तो फ्राई हो गई है मेरी, अभी मैं सोच रही हूँ जो मेथी के पराठे बनाऊंगी ना, थोड़ा सा मेथी को ना हल्का सा मैं फ्राई कर लूंगी, ताकि वो जो फूला फूला है ना पानी इसका थोड़ा सा निकल जाए और थोड़ी कड़वाहट भी मिल जाए, बिकॉज अरनिया खाएगी तो फिर वो ना थोड़ा सा टेस्टी बनाने का ट्राई करती हूँ मैं, थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा ना तो वो शौक से खाती है। तो सिंपल कुछ नहीं करी, बिल्कुल सिंपल सा बना ली हूँ। थोड़ा सा तेल लेंगे, हींग डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और यहाँ पे मैंने लहसुन छोटे छोटे करके काट लिए थे वो डालूंगी, थोड़ा सा प्याज, हल्का नमक। और भिंडी चढ़ाने से पहले मैं इसको फ्राई करूँ, बिकॉज ये ठंडा होगा, उसके बाद ही मैं उसमें आटे में डाल के भून पाऊंगी, इसलिए ये पहले कर ले रही हूँ। तो अनियंस हल्के से ब्राउन हो गए हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, अब ज़्यादा ही डालना अगर तीखा पसंद है तो, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। अभी जो हमारी मेथी है वो इसमें डाल देंगे, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसका पानी जो है ना वो निकाल लेंगे। ये देखिए इतना रिड्यूस हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तेल रख दिया है गरम करने को, और प्याज ना ऐसे लंबे लंबे काटे मैंने, क्योंकि मुंह में आते ना भिंडी के साथ तो बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। तो गरम तेल में डाल रही हूँ जीरा और हींग, और इमीडिएटली डाल देंगे लंबे कटे हुए प्याज, में डालेंगे थोड़ा सा नमक और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अरनिया का आज था हिंदी का एग्जाम, तो आई रियली होप अच्छा दिया होगा इसने, मॉर्निंग में हो गया अब तक तो हो ही गया होगा उसका एग्जाम, और कल फाइनली लास्ट मैथ्स फिर डन हो जाएगा। फिर दो दिन तो मैंने उसको बोला कि कुछ मत पढ़ना, सिर्फ होमवर्क अगर सोच जाएगा वो करना और कुछ मत करना, तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैं कहती हूँ मुझे ट्रीट वगैरह दोगे क्या, तो भी देखते हैं क्या करते हैं। सो बड़ी एक्साइटेड थी एग्जाम्स को लेकर ना, पहले तो थोड़ी कहती थी कि एक्साइटेड हूँ नर्वस हूँ, पर फर्स्ट डे एग्जाम देने के बाद उसको बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट डे भी कहती हूँ मॉर्निंग कब होगी, मैं कब एग्जाम दूंगी, आई एम सो एक्साइटेड। मैंने कहा चलो एग्जाम को लेके बच्चा एक्साइटेड है सुन के भी खुशी होती है। सो अनियंस जो है ना वो अच्छे से देखिए ब्राउन ब्राउन होके फ्राई हो गए हैं, तो मैं डाल रही हूँ कुटी हुई अदरक और लहसुन, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। मसाला पूरा अच्छे से फ्राई हो गया है, बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे, हल्का सा तेल डालेंगे, थोड़ा गर्म होने का वेट करेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे बेसन, और बेसन को ना अच्छे से रोस्ट कर लेंगे बीच में ही, बहुत अच्छा एक ग्रेवी में ना टेक्स्चर आता है इस बेसन की वजह से, पर इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना, कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो बेसन अच्छे से फ्राई हो गया था, उसमें मसाला डाला है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, अच्छे से फ्राई हो गया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर, तीन टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, उसका पेस्ट बना लिया है, उसको इसमें डाल के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। एक कांड हो गया, कांड के साथ काम भी फैल गया। एक्चुअली ना इसका हैंडल थोड़ा सा हिल रहा था दो तीन दिन से, तो मुझे लगा कि टाइट करूं, लेकिन ये अंदर से ऐसे स्क्रू रहते हैं तो टाइट मुझे हो नहीं रहा था, इनका चलो बाद में करेंगे। टमाटर फ्राई करने को डाला, इसमें थोड़ा सा टमाटर लगा हुआ था, मैंने कहा पानी डाल के फिर डाल दूंगी, जैसे हिलाने लगी तो हाथ से फिसल के इधर गिर गया ये पूरा टमाटर का पेस्ट, उधर ही जाके गिरा ये रहा। सो अभी ये सब तो होते रहते हैं, साफ करना पड़ेगा, बिकॉज ना अनन्या है ना सुभाष है टू क्लीन माय मेस, सो आई हैव टू क्लीन माय मेस मायसेल्फ नाउ। चलो एनीवेज, तो ये टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया, देखिए पूरा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है, पानी सूख गया है। इसमें डालेंगे अभी दो चम्मच के करीब दही, हिला लेंगे इमीडिएटली। यहाँ पे दही अच्छे से फ्राई हो गया, कच्चा स्मेल जो है ना दही का वो चला गया है। अब इसमें डालेंगे पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी सी गाढ़ी सी ही ग्रेवी होगी इसलिए थोड़ा कम ही डालना है। इसमें एक उबाल आ गई है, तो मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ी सी क्रश करके इसमें हम डाल देंगे। ये भी अच्छे से कुक हो गई है, इसमें जो भिंडी है वो हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी भिंडी बन गई है, ये देखिए कुछ ऐसा है इसका टेक्सचर, बहुत टेस्टी होता है।
सो भिंडी बन गई है, इसको भी इमीडिएटली मैं ट्रांसफर कर लूंगी, वरना डार्क हो जाएगा। टमाटर है, खटास है, आयरन की कढ़ाई है ना, सो इमीडिएटली ट्रांसफर कर लूंगी। सो आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरा जो मैंने कब डाला था, इससे एक से एक ब्लॉग पहले साथ डाला था, वो पनीर का रेसिपी, सो वो आपने शाही पनीर, सो आपने इतना पसंद कि आपको इतना पसंद आया, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने ट्राई किया और मुझे फोटो भेजा। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यू नो ट्राई किया। एक्चुअली वो रेसिपी बहुत अच्छी है, ट्राई नहीं किया तो डेफिनेटली ट्राई करना, और इस वाले को भी ट्राई करना, ये भी उतना ही अमेजिंग रेसिपी है। गेस्ट वगैरह आए, यू नो आपको समझ में नहीं आया क्या बनाऊं, सो दिस इज अ वेरी गुड रेसिपी वेज में। फाइनली आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे आटा लिया है मैंने, उसमें जो ये बनाया था ना मसाला, उसको डाल देंगे। आटा गूंदते हैं ना वैसे ही इसको हम गूंद लेंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल सकते हो, उससे और ज्यादा ना क्रंची क्रंची पराठे बनते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ, इतना ही काफी है। अब बस इसको पानी के साथ जैसे गूंदते हैं वैसे गूंद लेंगे। सो ये देखिए, ये आटा गूंद लिया है इस तरीके से। चलो लंच वंच सब बन गया है, अभी किचन को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, और डिश वॉशर भी ना खाली नहीं किया, डिश वॉशर खाली करना है अभी, ये पूरा खाली करूंगी। डिश वॉशर खाली रहता है ना तो नेक्स्ट जब आप डिश धोने के लिए डालते हो ना तो ऐसा आलस नहीं आता है, खाली नहीं रहता ना तो ऐसे आलस आता है कि अरे यार खाली करना है फिर डालना है, तो फिर मैं छोड़ ही देती हूँ कि अगले दिन करूंगी करके। सो डिश वॉशर भी फटाफट खाली कर लेते हैं। ये तवा और कढ़ाई भी मैंने धो ली, तवा जरूरत नहीं थी पर बहुत दिन हो गया था ना, धुला नहीं था, सो इसको भी धो लिया है। अब इन पे लगाएंगे हम ऑयल, वैसे मॉनसून टाइम हो रहा है ना, ऑयल नहीं लगाओ तो इतना ज्यादा ऑरेंज हो जाता है, सीजन करना बहुत जरूरी है, और ये डिश वॉशर में साफ नहीं होता इसलिए हाथ से ही करना पड़ता है। तो सिंपल गर्म कर लिया, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और बस ऐसे पूरा स्प्रेड कर देंगे। चलो सीजनिंग हो गई, पूरा किचन क्लीनिंग डन, अब अनन्या आएगी तो लंच वगैरह करेंगे, तब तक मैं थोड़ा बैठती हूँ, थोड़ी भूख लग रही है, देखते ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ तो खाऊंगी। जिम जाके आऊँ ना तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, इसलिए मैं मॉर्निंग में कुछ हल्का ही खा के जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वापस आके भी मुझे थोड़ा खाना है, तो कम क्वांटिटी में ज़्यादा टाइम ऐसा करती हूँ मैं। तो सुबह दवाई खाना ही भूल गई मैं, तो एंटीबायोटिक दी है 7 डेज की दी है, तो उन्होंने बोला कि अगर डिफरेंस आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एक बार वापस से चेक करवाना पड़ेगा, तो फिर वो एग्जामिन करेंगे। सो लेट्स सी दवाई खाते हैं। सानिया मैडम आ गई है, फिर मैंने ना वो मेडिसिन भी लगा ली ऊपर से, इसमें हल्का सा पेन है, ये सब तो ठीक है, ये थोड़ा सा पेनफुल है। उसको मैं कब से बोल रही हूँ ना हाथ पैर धो लो, हाथ पैर धो लो, हाँ सिर्फ सैनिटाइज करके बैठी है, जब से ये कोविड हुआ है ना इनको बस ये है कि बस सैनिटाइज कर लो तो हो गया काम, और कुछ जरूरत नहीं है। खड़े हो, हाथ पैर धो, भूख लगी है, खाना खाना है। ये रहा आज का लंच, मेथी के गर्मा गर्म पराठे, भिंडी की मस्त वाली सब्जी और ये अचार। चलो फाइनल लंच करते हैं, ये लेट करती है हमेशा, कब से बुला रही हूँ अनन्या, आओ अनन्या आओ, चलो खा के बताओ। एंड यस बहुत टेस्टी होता है, बिना खाए मैं बता सकती हूँ, बिकॉज मैंने बनाते हुए टेस्ट किया है और पहले भी बनाया है बहुत बार और शेयर भी किया है। तो चलिए इसी के साथ एक मिनट ब्लॉग खत्म करके आपको एक व्यू दिखाती हूँ। लंच करते करते बाहर ये देखो, मुझे ये व्यू दिख रहा है डाइनिंग टेबल से, मज़ा आ जाता है ऐसे व्यू के साथ ना खाना खाने में। तो चलो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई रियली होप आपने एंजॉय किया होगा आज का व्लॉग, और ये हमारी अनन्या बाय बोल दो। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आई रियली होप आपने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया है तो लाइक जरूर करना, कमेंट पक्का करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ना। तो चलिए सी यू अगेन, अंटिल नेक्स्ट टाइम यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।